तैनम भी जगह के दौर होए दबुन पे अड़ी पे सूर पे धान का बाजार ना हम उतरता है ना उन्हें दे अड़ी अटाल पे सूर दबुना एक हाथ आप लोग पीछे बैठने का और इसी के साथ यहाँ पर टीका मिशिल धनेश हसदा की लग चुकी है। वाईबीसी रामगढ़ टीम को यहां पर मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन दिनेश हेमराम यहां पर मात्र 38वां सेकंड में गोल करने वाले वो खिलाड़ी बन जाते हैं। जगह तैनम तो उनपे थोड़ा साइड लाइन पर अड्डा भीतरी से आलतो बोलो तो बोलो गोल कीपर जॉन ने बॉल को किसी तरह से पंच आउट किया। और ये बबलू का शॉट भी बाहर निकल गया था। और तलाशो रैन सही जगह है के पे नोवेल अनिल किस्कुआ हो ची योगदान हुई दड़िया के नानी तो टीम रन कैप्टन सही पोजीशन सही कंट्रीब्यूशन नहीं कोई साथी खिलाड़ी का खतरा के चला हो रहा गोल पड़ा कर तेनी तू बनाटी की अड़ी जोश जोशीला बनाटी का गाती रिया नतीजा जो बनाटी खेल पे अड़ी आक्रमक मूड रही है खिलाड़ी करीब करीब गोल एरिया में लगातार दबाव बना रहा कि फूट पे जाना ज्यादातर मौका को जान करना एफसी में भी टीम नियला हो भी जान पाएगा मेनखान गोल कीपर हो अरे अनुभवी गोल कीपर के जो और नाते जहाल करना उनका नाम क्षति बांग भी के दिनेश यार ताला सोरेन तला रहे इनो मौज अंडरस्टैंडिंग बना बनार के उड़े प्ले किन बना दो अरे
ᱱᱟᱱᱠᱨᱟ ᱥᱯᱤᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱱᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱭᱠᱟ ᱚᱯᱛᱚ ᱱᱩᱡᱚ ᱯᱟᱛᱟᱣᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱥᱛᱚ ᱜᱤᱞᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱨ ᱵᱤᱥ ᱵᱟᱜᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱴᱤᱢ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱜᱳᱞ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱴᱤᱢ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱤᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱚᱯᱱᱤᱝ ᱢᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱮ ᱪᱟᱨ ᱪᱟᱨ ᱜᱳᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱵᱟᱞᱟ ᱴᱤᱢ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱣᱟᱨᱯᱷᱩᱞ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱴᱤᱢ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱟᱵᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱫᱟ श्रीराम सोरेन ने यहाँ पर पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में इससे पहले के मैच में भी एक गोल का योगदान था और इस मुकाबले में भी एक शानदार गोल करके रामगढ़ की टीम को 1-0 से यहां पर पीछे कर दिया है। हालांकि अभी इस मुकाबले में काफी समय है, लेकिन मैगी की टीम का जो मोराल निश्चित रूप से ऊंचा होगा और सेमीफाइनल में पहुंचने का मामला है। दोनों टीम कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के लिए स्थान को तय करें, लेकिन मुझे लगता है ये जिसने नहीं देखा तो समझिए उसने कुछ नहीं देखा। मना विवाह शानदार गोल बाइक रन ने श्रीकांत आर ही ना दिन के बुझे में टोटल 17 गोटे मैदानी गोल हुई चुका होगा। 17 मैदानी गोल हो चुका है अभी तक में और अभी तक का इस लाल हमरा मेमोरियल चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है कि प्रथम दिन में इतने सारे मैदानी गोलों का जो रिकॉर्ड है इस समय बनता हुआ 17 में 17 से फिर 18 भी हो सकता है, 19 या 20 गोल भी हो सकता है। उम्मीद कर सकता है दोनों टीम गोल दागने का क्षमता रखते हैं। हमारे नोडा सीनियर को लय था जे नुना तो बाग गोल बढ़ाओ कन था एक और दिन रे मन खान निया बच्चा चला जो अड़ी जस्ती की गोल भी के ना गोल पर गुदिन कर और ये टीम बना न खागे पिटाचा 16 आल पिला बगर ठीक गोल ये
और कल आना नहीं भूलिएगा, ठीक 8 बजे से कल भी इसी तरह के दिग्गज टीमों को हम लोग देखेंगे दूर दूर के नामी गिरामी टीम हमारे बीच में। तो मैं कह रहा था कल का पहला मैच उनका और बादोली बिहार शिकारी पड़ा का खेल हम लोग देख पाएंगे कल पहला खेल 8 बजे। और जैसा मुझे सूचना मिला है कि मुर्मू ब्रदर दुमका के टीम में भी इस बार भी पिछले साल की तरह काफी नामी ग्रामीण बहुत लोग लाइक करते हैं उसका खेल को और अच्छा रिकॉर्ड है। बीएसके कॉलेज बरहरवा का खेल कल हम लोग देखेंगे। कल का तीसरा मैच स्टाफ 11 संथाल परगना और एमएफसी मोहम्मदपुर यूपी के बीच का मुकाबला हम लोग देखेंगे कल 11 बजे। और इसके बाद कल 12:30 बजे कल का चौथा मैच NYSC अयोध्या तीन पहाड़ और PM एकादश चंदन नगर वेस्ट बंगाल। सही लगभग लगभग तो आप और दो बोलते मिंकी टीम को लहाव कर जर्सी नंबर 11 दिवेश मुर्मू जर्सी नंबर 11 और अड़ी दिन के बाद लाल बाबा टूर्नामेंट में अभी कान के मेनखान नहीं है साल रिया रिकॉर्ड नवा मिला है जे एहब दिन रिया 18 गोटे मैदानी गोल ब्रिज पर उकर आ दिवेश मुर्मू 11 नंबर जर्सी हरा का खिलाड़ी उन्हें 18वां गोल लाया जे तुम सब सीधा और यदि और एक बार किसी भी तरफ से गोल हो ही जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार होटल सुनिराम की तरफ से 11 के 11 प्लेयर को निःशुल्क में खाना मिलेगा। और यहाँ काफी समय लेकर इस लाल हमरम मेमोरियल चंपल तो तरह पावल तो नहीं पावल तो नहीं सब थे पाल पाल थे ये मुझे चलो रेफरी बॉक्स के अगल बगल जितने भी दर्शक खड़े हैं आप लोग से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा जगह दें क्योंकि यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार हो रहा है। चलो
ले सर अड़ साला एक 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 ले सर ले साला अभी भी बयान तो निश्चित रूप से यहां पर बराबरी कर पाएंगे लेकिन अंतिम ए साला बैठ साला बैठ पता रुक साला बैठ साला अभी जो किसी भी टीम के तरफ से अगर एक गोल करते हैं उस रेस में दोनों टीम अभी भी बरकरार है। अब देखना है यहाँ से क्या मैगी की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगा या फिर YBC रामगढ़ की टीम वापसी कर पाएंगे। लेकिन मुकाबला बहुत ही सुंदर अभी तक देखने को मिला है। ठीक है अनिल किशोर मेहनत मशक्कत के साथ पंची के विपक्षी हाथ में और वही जी ताला के पास बराबर पोटेंशियल है इस खिलाड़ी के अंदर हुनर है लेकिन बिहारी में रोक लिया तो ढिलाल का कुतिये को भी रायसीन रघुनाथ अपने पाले में गेंद को रहने लेकिन काटे की टक्कर अभी तक क्या बेहतरीन मैच चल रहा है। टीम के कैप्टन सुखलाल ने जिस तरह से बहुत बड़ी खेला है बॉल मिला है बिना डेटा ऑन तो ये लगा मिशन कवर कर लिए थे। ये खिलाड़ी पूरे प्ले को बनाते हैं यही खासियत है। Yeah.